अगर लारी और पान गले को परमिशन मिल सकता है, अगर मंदिर में बच्चा जा सकता है, रेस्टोरेंट में बच्चा जा सकता है, और अगर थिएटर में फिल्म देखने बच्चा जा सकता है, तो ट्यूशन क्लासेस क्यों नहीं आ सकता है। नमस्कार, मैं केडी सर। मैं यहाँ आज इस माध्यम से हमारे जो सीएम हैं गुजरात के, रूपाणी सर, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस को ओपन करने की इजाज़त दें। सर, मैं ऑलरेडी दो बार ट्वीट भी कर चुका हूँ रिक्वेस्ट करके, और हमारे जो टीचर्स हैं, जो भाई लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सारे एसोसिएशन के थ्रू आपको रिक्वेस्ट लेटर भी दिया है। मैं इस वीडियो से ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी एजुकेशन की बात आती है तो सिर्फ स्कूल को पहले कंसिडर किया जाता है। सर, स्कूल और ट्यूशन क्लासेस बिल्कुल अलग हैं। स्कूल में एक साथ 3,000 से 5,000 बच्चे आते हैं, हमारे ट्यूशन क्लासेस में गिन के 10 से 15 बच्चे आते हैं। और अगर आप कहें, आप जो SOP रखेंगे वो SOP का हम पालन करेंगे, और हमारी जो रोजी रोटी है वो हमें मिल जाएगी। मेरे जैसे 1,00,000 टीचर्स हैं ऑल ओवर गुजरात, और दैट मीन्स ऑलमोस्ट 15,00,000 पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ट्यूशन क्लासेस। सर, आपसे गुजारिश है, हमें परमिशन दें। अभी बहुत देर हो चुकी है, ऑलमोस्ट लास्ट 16 मंथ से हम टीचर्स लोग, प्राइवेट ट्यूशन्स के टीचर्स लोग, इसके विक्टिमाइज हो रहे हैं, इस सिचुएशन के विक्टिमाइज हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमने हर बात आपकी मानी है। सूरत में फायर का एक्सीडेंट हुआ और आपने SOP रखा, हम सब लोगों ने SOP का पालन किया, सब लोगों ने NOC लिया। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो ये कोरोना के लिए भी हम आपके सपोर्ट में हैं आप। लेकिन हमको किसी भी तरह कुछ SOP रख के हमारे जो ट्यूशन क्लासेस है वो ओपन करने की इजाज़त दें। हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, EMI और जो रेंट है ये भरना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, बहुत सारा खर्चा है, लेकिन कोई आमदनी नहीं है। तो प्लीज़ कंसिडर आवर रिक्वेस्ट। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम टीचर्स को भी कंसिडर करें, हम ट्यूशन टीचर्स को स्कूल के साथ कंपेयर नहीं करें, हमारे लिए अलग SOP बना के दें और हम उसका पालन करेंगे। ओके, थैंक यू।